गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 9 का नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, जिसमें एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं आज 9.2। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मतलब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ 2x + 3y (2z), फिर यहाँ पे इक्वल करके दिया है। देखो 2x का इंटू जो है हम इसे करेंगे 2z से, 2x (2z), फिर क्या करेंगे 3y के साथ हम लोग 2z का इंटू करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3y ((2), यहाँ हो जाएगा 2z का। अब इसको देख लो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x और z, और 2 और 3 क्या हो जाएगा 6y और z। इस प्रकार से आप लोग इसको खाली स्थान को पूर्ति करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसमें दिया हुआ है, गुणनखंड कीजिए इसका। ठीक है, जैसे इसमें दिया है पहला जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया है xy और फिर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 7 + 8x, जिसको आप इसके साथ इंटू कर देंगे क्या 7xy, फिर प्लस इसके साथ इंटू करेंगे आप 8x (xy) का, ये हो जाएगा 7xy + 8x2y का। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें से क्वेश्चन इसमें कहा ये फर्स्ट था, इसी प्रकार से सेकेंड नंबर इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें था एक बताता हूँ आपको एस टी का इसमें दिया है, एस और टी है दो राशि, तो 3r² दिया है, 3r² और फिर क्या दिया है माइनस फाइव एस को इंटू करना है किससे, हमको इसको करना है 2t² से, इंटू हो जाएगा 2t², इसी प्रकार से 3r² ((2t² - 5s) (2t² ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6r² और t² ये कितना हो जाएगा 5 × 10 s² और t² इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शेष क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस प्रकार से बचे हुए क्वेश्चन को आप क्या करेंगे हल करेंगे, ये अध्याय आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।